जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन गज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन जा पूरा तेरा वन जा, यमुना तेरा वन जा, यमुना तेरा वन जा, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 रा
राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, बोलो राधे 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 राधे, जतिपुरा में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, दान घाटी में राधे राधे, कर्षण कुंड में राधे राधे, गोविंद कुंड में राधे राधे, भैरव कुंड में राधे, गौरी कुंड में राधे राधे, कुचरिका लोटा राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे, श्याम कुटीर में राधे राधे, नारद कुंड में राधे राधे, बाल पोखरा राधे राधे, हरि गोकुल में राधे राधे, रमण नदी में राधे राधे, बांक बिहारी राधे राधे, जने बिहारी राधे राधे, मदन मोहन जी राधे राधे, गोपीनाथ जी राधे राधे, राधा दामोदर राधे राधे, साक्षी गोपाल जी राधे राधे, राधा विनोद जी राधे राधे, राधा माधव राधे राधे, राधा वल्लभ राधे राधे, युगल किशोर जी राधे राधे, राधा रमण जी राधे राधे, अष्ट सखी जी राधे राधे, केशव देव जी राधे राधे, द्वारकाधीश जी राधे राधे, बलेश्वर महादेव राधे राधे, लंकेश्वर महादेव राधे राधे, राधे राधे बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाले राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने
वाले राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 प्रेम से गाइए वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हाँ राधे 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 बरसाने वाले राधे ओ राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 वृंदावन में राधे राधे जनरथ गांव में राधे राधे काली जहाँ पर राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे सिंगरगढ़ में राधे राधे शीरगढ़ में राधे राधे ऋषिगढ़ में राधे राधे निधिवन में राधे राधे वंशीवट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहर वन में राधे राधे गोपाल वन में राधे राधे वेणुकुंभ में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे राधा वन में राधे राधे जूलन वन में राधे राधे पांडिर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे बिहार घाट में राधे राधे अंधे घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे खेली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्मभूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी घाट में राधे राधे माधुकुंड में राधे राधे अक्र भवन में राधे राधे ताल वन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे दरिया जी में राधे राधे बराई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे बवलावन में राधे राधे चंदन कुंड में राधे राधे रेला गांव में राधे राधे इंद्र कुंड में राधे राधे सुराभी कुंड में राधे राधे रावण कुंड में राधे 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 बरसाने वाले 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 राधे 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 बरसाने वाली 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 राधे ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे राधा श्याम सुंदर 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 राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल
बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की। श्री चैतन्य महाप्रभु मत्मिदं तत्रादरो नः पर वंशीं विभो शितकरां नवनीरदाभा पीतांबर दरुणबिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसूक्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं करारविन्दे नपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र श्यपुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसास्मराये श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृतमेत देव गोविंद दामो धर्माधवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवसीय प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं और विशेष स्वागत करते हैं हमारे शोभा माता जी के सुपुत्र विजय अरोड़ा और उनकी धर्म पत्नी शोभना अरोड़ा जी का। जो भागवत कथा श्रवण करने हेतु दिल्ली से पधारे हैं, परम सौभाग्य है। गत कुछ दिनों से भगवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्री मैत्री मुनि विदुर जी को भागवत कथा का श्रवण कराते हुए गत सत्र में कपिल देवहूति का संवाद श्रवण कराया और अंत में कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रितकर्ण रसायणा कथा तज्जोषणादास अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान कपिलदेव माता देवहूति से कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा कार्य यदि कोई है तो वो है संतों की संगति करना। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि साधु का संग करो, साधु का संग करो, सत्संग करो, क्योंकि लव मात्र क्षण भर भी यदि सत्संग कर लिया जाता है, साधुओं का संग कर लिया जाता है, तो इस संसार की सर्वोच्च सिद्धि परम सिद्धि हमें प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी महाराज जगत जननी माता सीता को देखने के लिए जब लंका में प्रवेश कर रहे थे उस समय हनुमान जी महाराज ने मशक समान रूप धरी, बहुत सूक्ष्म मच्छर की तरह रूप धारण किया और रावण की लंका में प्रवेश करने लगे। परंतु उस लंका के द्वार पर एक बहुत बड़ी राक्षसी खड़ी थी जिसका नाम था लंकिनी। उन्होंने हनुमान जी महाराज को रोक दिया, बोले आप अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी ने कहा, माता जी जाने दीजिए ना, मैं आपको प्रणाम करता हूं। बोले नहीं जाने दूंगी, एक बार कहा ना। बोले मुझे जाने दीजिए, मैं राम कार्य के लिए आया हूं। लंकिनी ने कहा, तेरे जैसे रोज बहुत मिलते हैं, तेरे जैसे, अरे चोर तेरे जैसे को तो मैं अनेकों को खा जाती हूं। जब लंकिनी ने हनुमान जी को चोर कहा, हनुमान जी को क्रोध आया
बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर बैठा है, साक्षात भगवान की पत्नी का अपहरण करके आया है और तुम मुझे चोर कर कह रही हो। तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने वज्र के समान मुष्टिका बनाई, उस लंकिनी के एक मस्तक पर मारी, खून की उल्टी हो गई और उसी स्थान पर गिर गई, लंकिनी की मृत्यु हो गई। हनुमान जी का एक मुक्का, परंतु मरते मरते लंकिनी ने जो कहा है अद्भुत। लंकिनी कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता। हे तात, हनुमान जी महाराज, मुझे लगता है कि मैंने बहुत बहुत पुण्य किए हैं। तात मोर अति पुण्य बहुता, मैं बहुत पुण्यशाली हूं, भाग्यशाली हूं, क्योंकि आज मुझे आप जैसे संत का, महात्मा का दर्शन हो गया। अब लंकिनी को यह बुद्धि पहले नहीं आई, हनुमान जी ने जब मुक्का मारा तब इनको बुद्धि आई। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब तक मारा नहीं जा न जाए तब तक समझ में नहीं आता है। लंकिनी मरते मरते कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग। हनुमान जी महाराज, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, पुण्यशाली हूं, क्योंकि आप जैसे संत का संग हुआ, क्योंकि आप जैसे संतों की संगति में इतना आनंद है, इतना आनंद है। कहते हैं, तुला के एक पात्र में इस संसार के सुख को रख दिया जाए, स्वर्ग के सुख को रख दिया जाए, यहां तक मुक्ति के सुख को रख दिया जाए, और तुला के दूसरे पात्र में सत्संग की संगति का एक घड़ी रख दिया जाए, तीनों लोगों के सुख से सत्संग का सुख बढ़ जाएगा, सत्संग का सुख अधिक हो जाएगा। तो ये सत्संग बहुत बड़ी चीज है, जो सुख सत्संग में है वो अन्य कहीं नहीं है। तो ऐसा सत्संग जब होता है तब भगवान कपिलदेव कहते हैं कि उस सत्संग में भगवान कृष्ण की कथा चलती है। सत्संग किसे कहते हैं? आज कुछ लोग सत्संग के नाम पर कुछ और ही कर रहे हैं। भक्तों, सत का अर्थ होता है भगवान श्री विष्णु, कृष्ण, राम। इस संसार में एक ही चीज सत्य है और वो है भगवान, क्योंकि सत्य वो है जो तीनों काल में एक समान बना रहता है। सृष्टि में अनेकों जीव आते हैं, जाते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, परिवर्तन चलते रहता है, परंतु एक भगवान ही ऐसे हैं जो वैसे के वैसे बने। तो सत का अर्थ है भगवान, और जहां पर भगवान की चर्चा हो, भगवान की कथा हो, उसे सत्संग कहते हैं। तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भगवान कपिलदेव कहते हैं कि जब ऐसा सत्संग होता है तब मेरे वीर्य की, मेरे पराक्रम की गाथा होती है, कथा होती है, और यह कथा कर्ण के लिए आनंद देती है, और यदि इस कथा के अर्थ समझ में आ जाए तो हृदय को आनंद देती है। भगवत कथा श्रुत मधुर भी है और रीत मधुर भी है, और इतना ही नहीं, यह कथा जो है रसायन अर्थात औषधि के समान है। भवंती रीत कर्ण रसायणा कथा, ये कथा जो है भगवान कपिलदेव कहते हैं रसायन है, औषधि। एनेची औषधि माया नाशीवार लागी, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद गाते हैं। इस संसार में सबको एक रोग लगा है और उस रोग का नाम है भव रोग। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शंकराचार्य जी ने कहा कि बार बार माता के गर्भ से जन्म लेना, मृत्यु होना, जरा व्याधि, अनेकों प्रकार के दुखों में फंसना,
यह आत्मा का बहुत बड़ा रोग है और इस रोगों से यदि मुक्त होना चाहते हैं तो बहुत बड़ी औषधि है कृष्ण कथा, रसायन है, इस भवरोग से मुक्त करने वाली यह दवा है। इस कथा को सुनकर व्यक्ति भवरोग से मुक्त हो सकता है। तजो शनादास अपवर्ग वर्तमानी, और इस कथा को सुनकर व्यक्ति अपवर्ग की प्राप्ति कर लेता है। अपवर्ग का अर्थ होता है, जैसे संस्कृत ग्रामर आप पढ़ते हो, व्याकरण में है, किसी भी भाषा के व्याकरण में वर्णमाला होती है, तो संस्कृत में वर्णमाला होती है क ख ग घ च छ ज, तो क ख ग घ घ क वर्ग है और अनेकों प्रकार के वर्ग है, च छ ज ज ज, इसे चवर्ग कहा जाता है। पवर्ग माने प फ ब भ और म, इस संसार को पवर्ग कहा गया है क्योंकि इस संसार में प फ ब भ और म ये पांच चीज है। क्या है इस संसार में? प का अर्थ होता है परिश्रम। ये जगत में सब लोग परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, परिश्रम ही परिश्रम है, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता है। और इतना परिश्रम करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि मुख से फैन निकल जाते हैं, प फ। फिर होता है ब, आचार्य गण कहते हैं परिश्रम करके जब धन एकत्रित कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, तो फिर कहते रहते हैं ये मेरा है, मेरा है, बकरी की तरह मैं बैं 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 करते रहते हैं। और जब बहुत धन हो जाता है तो फिर भय होता है, प फ ब भ, भ माने भाई, सिक्योरिटी रखते हैं और न जाने अनेकों प्रकार के कार्य। इस संसार में भय है, अनेकों प्रकार का भय है, किसी को अपने शत्रुओं का भय है, किसी को असुरों का भय है, किसी को अन्य देश का भय है, सब का भय है। और किसी का भय होना हो, मृत्यु का भय तो सबको है। तो इस संसार में भय है, प फ ब भ, और फिर अंत में है म, म माने मृत्यु, जो सबके जीवन में आती है। ये मृत्यु जो है सबके जीवन में आती है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि लोग मृत्यु के विषय में एक बार भी नहीं सोचते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में आश्चर्य क्या है? धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालय, हजारों हजारों जीव यमराज के दरबार में जाते हैं, एक दिन में हजारों जीव मरते हैं, एक दिन में हजारों हजारों लोग मरते हैं, हमसे बड़े मर रहे हैं, हमसे छोटे एक्सीडेंट में मर रहे हैं, आजू बाजू ऊपर नीचे वाले सब लोग मर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदमी कभी ऐसा नहीं सोचता है कि मुझे भी एक ना दिन मरना है, मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, तो मरने से पहले मृत्यु को मंगलमय बना दो। शेषा स्थावर निच्छन्ति किम आश्चर्यम यतः परम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, मृत्यु का स्मरण सदैव होना चाहिए, व्यक्ति को सदैव यह ज्ञान होना चाहिए कि मुझे मरना है। और जब यह ज्ञान होगा, जब यह विचार होगा, तब व्यक्ति भजन कर पाएगा। और यह मृत्यु कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये मृत्यु का नाम क्यों लेते हो बार बार, क्योंकि मृत्यु का नाम जब मैं सुनता हूं तब डर जाता हूं, कांप जाता हूं,
डरती है रूह यारो और जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बुरी बला है। जब मैं सुनता हूं कि मुझे मरना है, एक दिन ये शरीर श्मशान की चिता की राख बन जाएगा। जब मैं स्मरण करता हूं तब मैं कांप जाता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह सूख जाता है, मरने का नाम मत लो। जब मरने का नाम सुनकर इतना कष्ट होता है, विचार कीजिए जब साक्षात मृत्यु आएगी तब क्या होगा। इसलिए मृत्यु को संवार लेना चाहिए भजन के द्वारा। संसार में प फ ब भ म ये पांचों चीज लगी है, परंतु भगवान कपिलदेव कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सत्संग के द्वारा भगवत कथा का श्रवण करता है तो इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक धाम अर्थात वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। तजोषणादाश अपवर्ग वर्तमानी, अपवर्ग की अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। और इतना ही नहीं, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, और साथ ही साथ उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, रति उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भक्तों, ये भगवत कथा जो है भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाली है। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, कृष्ण कथा को सुनकर कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सकता है, ये कृष्ण कथा का सबसे बड़ा फल है। भागवत के दशम स्कंध में एक कथा आती है, विदर्भ देश के राजा जिसका नाम था भीष्मक और महाराष्ट्र के राजा थे विदर्भ देश के, और राजा भीष्मक की एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी, उनके अनेक भाई थे, उनमें सबसे बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मणी की उम्र हुई और एक दिन उनके पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारा विवाह कराना चाहते हैं, तुम कैसे पति से विवाह करना चाहती हो? तब रुक्मणी ने कहा, पिताजी मैं कृष्ण से विवाह करना चाहती हूं। उस समय देवी रुक्मणी महाराष्ट्र में कुंडिनपुर में रह रही थी और भगवान श्री कृष्ण गुजरात में सौराष्ट्र में द्वारिका में रह रहे थे, और यहां रुक्मणी ने कहा मुझे कृष्ण के साथ विवाह करना है। राजा भीष्मक को यह बात ठीक लगी और उन्होंने अपने पुत्रों को कह दिया कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुक्मणी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन की बात, रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी जरासंघ का मित्र था, जैसे तैसे जरासंघ का मित्र हो चुका था। तो एक दिन जरासंघ और रुक्मी दोनों बैठे थे और रुक्मणी ने कहा कि मित्र जरासंघ, मेरे पिता ने मेरी बहन के लिए एक वर चुना है, मेरे पिताजी मेरी बहन रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते हैं, ठीक है ना? जरासंघ ने कहा कभी भी कृष्ण के साथ विवाह मत कराना। बोले वह तो कपटी है, वो कायर है, उस ग्वाले के साथ अपनी बहन का विवाह कराओगे? दुनिया में और कोई वर नहीं मिला, मैं तो कहता हूं उसके साथ विवाह कभी मत कराना, क्योंकि जरासंघ की कृष्ण के साथ दुश्मनी थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंघ के दामाद को मार दिया था। जरासंघ की दो कन्या थी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों का विवाह कंस के साथ कराया था। तो भगवान ने कंस का वध किया और जरासंघ के साथ युद्ध करते हुए ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान उस युद्ध से रण छोड़कर भाग गए। अतः जरासंघ कहने लगा, रुक्मी दुनिया में किसी के साथ विवाह कराओ लेकिन कृष्ण के साथ मत कराना। बोले बात तो अच्छी ठीक है,
तो फिर तुम्हारे नजर में कोई अच्छा वर है? जरासंध ने कहा, बहुत गुणवान, बहुत बहुत गुणवान एक वर है। बोले कौन? बोले शिशुपाल। अब उसमें गुण क्या था? जन्म से कृष्ण का द्वेषी था, जन्म से कृष्ण को गाली देता था। तो रुक्मिणी ने जबरदस्ती रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रुक्मणी को पता चला, हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। विवाह का दिन धीरे धीरे निकट आने लगा। जैसे ही दो तीन दिन बाकी थे, रुक्मणी से रहा नहीं। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा ब्राह्मण के साथ, वह पत्र भगवान कृष्ण के पास भेज दिया। ये ब्राह्मण देवता कृष्ण के पास द्वारिका में आए, स्वागत किया और कहा, आपका यहां पर आना, बोले विदर्भ देश के राजा भीष्म की कन्या ने भेजा है, आपके लिए पत्र भेजा है। कृष्ण ने कहा, मेरे लिए पत्र? मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। ये रुक्मणी नाम में पहली बार सुन रहा हूं, और न जाने बिना पत्र लिखने वाला ये कौन है? बोले आपके लिए पत्र आया है। भगवान कृष्ण तो बड़े बुद्धिमान थे, कृष्ण ने वो पत्र लिया नहीं, लेकर अकेले में पढ़ सकते थे, परंतु भगवान ने सोचा स्त्रियों के चक्कर में फंसना ठीक नहीं है। भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण को ही कहा कि आप पढ़ो, कुछ गड़बड़ वाली बात होगी तो सीधा पता चल जाएगा। कृष्ण ने कहा कि आप पढ़िए, ब्राह्मण पढ़ने लगे। भक्त रुक्मणी ने उस पत्र में 8 श्लोक लिखे थे, और जो रुक्मणी ने लिखा था एज इट इज सुखदेव जी ने वर्णन किया है, बहुत सुंदर है। रुक्मणी ने कहा, कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं, और आप यहां पर आइए और मुझे लेकर जाइए, क्योंकि मेरा भाई नहीं चाहता है कि मेरा विवाह आपके साथ हो। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती हूं, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। कृष्ण आप यहां पर आइए और मुझे ले जाइए, और यदि आप नहीं आओगे तो मैं जीवन भर कुंवारी रह जाऊंगी और तपस्या कर करके मेरे देह को त्याग दूंगी, दूसरा जन्म मिलेगा और उसमें भी आपकी राह देखूंगी। आप नहीं मिले, तपस्या करके उस देह को भी त्याग दूंगी। जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक मैं तपस्या करूंगी, मरती रहूंगी, कृपया करके आप आइए। भगवान कृष्ण मानो फोन करके पूछे, बोल न तो हमने कभी फोन में बात किया, न बस स्टॉप में मिले, न फेसबुक में देखे, न व्हाट्सएप में SMS किया, न इंटरनेट में चैटिंग किया, कुछ नहीं, न तो मैंने तुम्हें कभी देखा, ना आपने मुझे कभी देखा। बिना देखे तुम्हें मुझे इतना प्रेम कैसे हो गया? तो कितनी बात तो सोचने वाली है ना, किसी को बिना देखे प्रेम कैसे हो सकता है? मान लो कोई पिता अपने पुत्र के पास आए और कहे, बेटा तेरे लिए लड़की देखकर आया हूं, तू उसे प्रेम करना शुरू कर दे। तो लड़का पूछेगा ना, लड़की है कौन? नहीं नहीं, तू उसे प्रेम चालू कर देगा? हवा से प्रेम करे? उसका नाम होना चाहिए, कम से कम उसका फोटो तो होना चाहिए, उनके साथ उनका नंबर होना चाहिए, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, कुछ तो व्यवहार होना चाहिए। बिना किसी व्यवहार से प्रेम कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा कि न तो मैं आपसे मिला, ना आप मुझे मिली, ना हम दोनों की कभी बातचीत हुई, तुम इतना दिलो जान से मुझे प्रेम कैसे करते हो? हाउ पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तब देवी रुक्मणी प्रथम श्लोक में लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणुवताम ते। हे भुवन सुंदर, हे कृष्ण, कृष्ण आज तक मैंने आपको देखा नहीं है, न तो आपने मुझे देखा है। कृष्ण आज तक मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके बारे में सुना बहुत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जब हमारे राज्य में आते थे तो उनके चरणों में बैठ बैठ कर मैं आपकी कथाएं सुनती थी, और आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा आ रहा है। मेरा मन
बिल्कुल मेरे वश में नहीं रहना। आपकी कथा सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया है, श्रुतवा गुणा। कृष्ण ने कहा कि अच्छे कुल की लड़की के लिए यह ठीक बात नहीं है, किसी पराये पुरुष को इस प्रकार से पत्र लिखना मुझे लगता है इस संसार का, इस दुनिया का सबसे पहला लव लेटर होगा जो देवी रुक्मणी ने कृष्ण को लिखा। बोले इस प्रकार एक अच्छे कुल की स्त्री के लिए ये अच्छी बात नहीं है किसी पराये पुरुष को पत्र लिखना। तब रुक्मणी ने उस पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी थी, कृष्ण कृष्ण आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे मन को नहीं रोका होगा, कृष्ण हजारों बार कलम हाथ में ली और मैंने छोड़ दी, मैं बार बार मेरे मन को रोकना चाहती थी, लेकिन कृष्ण बताओ इस संसार में जिस व्यक्ति का मन आपके रूप गुण और लीला के ऊपर आ जाता है तो किसका मन रुक सकता है। इस संसार में किसी स्त्री का मन यदि आपके रूप और आपके गुणों के ऊपर दृष्टि चली जाए तो आपके साथ विवाह किए बिना रह नहीं सकती। अतः कृष्ण आपके गुण को देखकर आपकी कथा को सुनकर मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी आपकी ओर खींचा चला जा रहा है। तो भगवान की कथा ऐसी है जिससे मन जो है भगवान की ओर दौड़ा जाता है और संसार की जो लज्जा है उस लज्जा से मुक्त हो जाते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या है कि लोग क्या कहेंगे। अरे मैं तिलक करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कंठी पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, धोती कुर्ता पहनूंगा लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा रोग है। परंतु देवी रुक्मणी कहती है कि कृष्ण कथा को सुनकर ये रोग चला जाता है और आदमी मतवाला बन जाता है, पागल सा हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर झारखंड के वन में जब विचरण कर रहे थे पागलों की तरह। भक्तों किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है कि भगवान के धाम में यदि आपको जाना है तो एक सर्टिफिकेट चाहिए और वह सर्टिफिकेट दुनिया के संसार के लोगों के द्वारा होना चाहिए और वह सर्टिफिकेट है पागल का सर्टिफिकेट। जब तक दुनिया के लोग हमें पागल न बोल दे तब तक भगवान का धाम नहीं मिल सकता। बस पागल दुनिया के लोग समझ लेना चाहिए कि ये तो बावरा हो गया, ये तो पागल हो गया है। इवन चैतन्य महाप्रभु को भी लोग कहते थे, चैतन्य महाप्रभु झारखंड के वन में भगवान का नाम लेकर कीर्तन करते थे, कीर्तन करते हुए नृत्य करते थे, आंखों से अश्रु की धारा बह जाती थी, जंगल के हिंसक पशुओं के साथ वे नाचते थे कूदते थे। एक दिन प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि हम भी सन्यासी आप भी सन्यासी, सन्यासी को कहीं एक स्थान पर बैठकर वेद पढ़ने चाहिए, इस प्रकार से नाचकर कूदते हुए भगवान का नाम लेने की क्या आवश्यकता है, एक स्थान पर बैठकर वेद पढ़ो शास्त्र पढ़ो। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई, बोले देखो मैं तो मेरे गुरु के पास गया और मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी आप मुझे वेद शास्त्र पढ़ाइए, वेद शास्त्र का ज्ञान दीजिए। गुरु मोहे मूर्ख जानी करी लशासन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में लिखा है, गुरु मोहे मूर्ख जानी करी लशासन। जब मैं गुरु के पास गया तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें वेद शास्त्र समझ में नहीं आएंगे, इसलिए एक काम करो, समस्त वेद शास्त्र का सार है भक्ति और भक्ति का सार है हरि नाम, नाम संकीर्तनम यस्य। भागवत के अंत में भी यही कहा गया कि भगवान का नाम लेना, संकीर्तन कीर्तन करना, यही सभी वेद और शास्त्र का सार। बोले तुम्हें वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद का सार है कीर्तन करना, तुम कीर्तन करो इसी से तुम्हारा उद्धार हो।
तो गुरु जी ने मुझे मंत्र दे दिया और इस महामंत्र को लेकर मैं कीर्तन करने लगा। लेकिन जैसे जैसे इस महामंत्र को लेकर कीर्तन करने लगा, वैसे वैसे मेरी स्थिति बदलती गई। महामंत्र जपते 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 संसार से वैराग्य होने लगा, भगवान से अनुराग होने लगा, घर बार आदि को भूल गया। मैं तुरंत गुरु जी के पास गया, गुरु जी आपने कैसा मंत्र दे दिया? किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, हे गोसाई, हे गुरुदेव, ये आपने कैसा मंत्र दे दिया? इस मंत्र में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत? किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते नाम करिल पागल। जैसे जैसे मैं ये मंत्र जप रहा हूं, वैसे वैसे पागल सा होता जा रहा हूं। लोग मुझे पागल कह रहे हैं। ये प्रकाशानंद जी, उस समय मेरे हमारे गुरु जी ने कहा कि बस अभी ये मंत्र जो है तुम पर फलीभूत हो चुका है, ये मंत्र का पूरा असर हो चुका है। क्योंकि ये मंत्र का जिसको पूर्ण फल मिलता है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो उस दिन से मैं इसी प्रकार से जपता हूं और कीर्तन करता हूं। इस्कॉन के भक्त भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जब इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो लोग पागल समझते हैं, पागल आ गए। और इसकी बात तो हमारे अपने मुंबई में मीरा रोड मंदिर में किसी ने एम्बुलेंस डोनेशन में दे दी। अब जानते हैं रोटरी क्लब वालों ने एम्बुलेंस दे दी, तो हमारा मंदिर तो भाई जो भी चाहिए ले लेते हैं, ठीक है, एम्बुलेंस एम्बुलेंस। तो फिर वो एम्बुलेंस जो थी हम लोग नगर संकीर्तन करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो एक दिन हम जहाँ रहते थे, नया नया एरिया डेवलप हुआ था, प्रचार वहाँ पर नहीं हुआ था, तो 15-20 भक्त उस एम्बुलेंस में बैठे और फिर वहाँ नगर संकीर्तन करने के लिए निकल गए। अब एम्बुलेंस में बैठकर सब लोग कीर्तन करने लगे और इतना उत्साह आ गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जब एम्बुलेंस वहाँ पर हमारे नए उस डेवलपमेंट वाले एरिया में पहुँची, किसी को लगा कि पागल खाने से एम्बुलेंस आ गई है। तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस वालों को फोन किया, बोले पागल खाने से एक एम्बुलेंस निकल गई है, आप आइए। और उसमें जब एम्बुलेंस खड़ी रही और उसमें से जब भक्त लोग निकले कीर्तन करते हुए नाचते हुए, वहाँ पुलिस वालों का टोला लग गया। फिर हमने कहा हम इस्कॉन के भक्त हैं और इसी प्रकार से कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार संसार के लोग कभी कभी भक्तों को पागल समझते हैं। लेकिन भक्तों, संसार के लोग पागल कहते हैं, इसमें भक्तों को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि इस संसार में आप देखिए भक्तों की संख्या बहुत कम और अन्य लोगों की संख्या बहुत विशाल मात्रा में। जैसे पागल खाना होता है ना, यहाँ कुछ आगरा में ही है ना, बहुत बड़ा पागल खाना होता है, मेंटल हॉस्पिटल। उस पागल खाने में पागल ज्यादा होते हैं और डॉक्टर कम होते हैं, है ना। पागल खाने में पागल ज्यादा होते हैं, डॉक्टर कम होते हैं। और सफेद कोट में डॉक्टर जब पागल खाने में एंट्री करते हैं, तब आपस में पागल लोग कहते हैं, अरे देखो देखो वो चार पागल आ रहे हैं। वो पागल जो होते हैं ना, वो डॉक्टर को पागल कहते हैं। लेकिन डॉक्टर आखिर में जानते हैं कि पागल मूर्ख कौन। तो इसी प्रकार संसार के लोग कभी कभी भक्तों को पागल कह देते हैं, लेकिन जो शास्त्र जानता है वो समझता है वास्तविक पागल कौन है। तो यह है, मैं किस विषय से यहां चला गया? हाँ, शिशुपाल मतवाला हो जाता है। देवी रुक्मणी ने कहा कि कृष्ण आपकी कथा सुनकर मेरा मन पूर्ण रूप से आप में लग चुका है, इसलिए कृष्ण अब आपके बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। और क्षत्रिय की कन्या थी ना, उन्होंने पूर्ण लिखा हुआ था कि बिल्कुल 2 दिन के बाद हमारी कुल परंपरा है कि जब विवाह मंडप में जाते हैं तो देवी माता का दर्शन करके एक कन्या विवाह मंडप में प्रवेश करती है। कृष्ण में मेरी सखियों के साथ उस देवी माता के मंदिर में जाऊंगी
और जब मैं वापस लौटूंगी तब आप आइएगा और मुझे लेकर जाइएगा। ध्यान रहे कृष्ण, उस समय जरासंघ की सेना, शिशुपाल की सेना, मेरा भाई रूप में भी अनेक सैन्य को लेकर खड़े होंगे, परंतु मुझे आप पर विश्वास है, आप आइए और मुझे लेकर जाइए। इस प्रकार का यह पत्र था। भगवान कृष्ण ने पढ़ा और देखा इतना प्रेम, भगवान तो प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रेम के वश में हो जाते हैं। कृष्ण ने तुरंत अपना रथ निकाला और भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण के साथ विदर्भ देश में पहुंच गए। कृष्ण जैसे ही वहां पर पहुंचे, शिशुपाल आदि राजाओं को पता चल गया है कि कृष्ण आ गए। सब लोग सतर्क हो गए, कृष्ण आया है, निश्चित कुछ गड़बड़ करेगा। कुल परंपरा के अनुसार देवी रुक्मणी देवी माता के मंदिर में जाने के लिए निकल पड़ी। देवी रुक्मणी माता जी को प्रणाम करती है, अनेकों प्रकार से मनाती है और रुक्मणी के मन में अनेकों संशय खड़े हो रहे हैं। देवी रुक्मणी प्रणाम करके वापस लौट रही है, एक एक कदम कल्प के समान लग रहे हैं। क्या होगा, कृष्ण आएंगे, कृष्ण नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा। रुक्मणी के मन में अनेकों संकल्प विकल्प उठ रहे हैं। उसी समय धीरे 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 रुक्मणी अपना कदम आगे बढ़ा रही है और हजारों की मात्रा में बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी खड़ी है। शिशुपाल अपनी सेना को तैनात कर दिया, जरासंघ रुक्मी अपनी सारी सेना को तैनात करके खड़े हैं, लाखों लाखों सैनिक खड़े हैं और देवी रुक्मणी मन में सोच रही है कि कृष्ण कब आएंगे, कैसे आएंगे। धीरे धीरे देवी रुक्मणी के चरण आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही रुक्मणी देवी माता के मंदिर की सीढ़ी उतरने लगी, उसी समय भगवान श्री कृष्ण सहसा अपना दिव्य रथ लेकर वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, जैसे बादल में बिजली कड़कती है वैसे वहां पर दिव्य प्रकाश पुंज हुआ। बिजली कड़कने पर जैसे आंखें बंद हो जाती हैं, सभी राजा महाराजाओं की आंखें बंद हो गई और किसी को पता नहीं चला क्या हुआ, कौन आया, कैसे आया, कहां गया। और भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ पर बैठे हुए देवी रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रुक्मणी को अपने रथ पर बिठाकर वहां से वैसे निकल गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे एक सिंह हजारों सियारों के बीच में से अपना भाग लेकर चला जाता है, वैसे कृष्ण आए और हजारों हजारों राजाओं के बीच में से देवी रुक्मणी को लेकर चले गए। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। देखिए भगवान की शादी हुई, आपको पसंद नहीं है? बेचारे अब तक कुंवारे थे। ऐसे ब्रज में तो बहुत सारी गोपियों के साथ लीला की है, लेकिन अब कृष्ण ने प्रथम बार जेन्युइन रुक्मणी का पाणी ग्रहण किया और शादी करने जा रहे हैं। प्रेम से गाई। संसार में किसी का विवाह होता है तो कितना नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं। आज कृष्ण रुक्मणी के साथ विवाह कर रहे हैं, बड़े भाव से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय हो कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रुक्मणी द्वारकाधीश की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे रुक्मणी द्वारकाधीश की रुक्मणी द्वारकाधीश की कृष्णचंद्र भगवान की। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को वहां से ले गए और उनके साथ विवाह किए। तो हमारे मन में भी यदि ऐसी इच्छा हो, जीवन के अंतिम समय में कृष्ण हमारे पास आए, जैसे रुक्मणी के पास आए, उनके हाथ को पकड़कर अपने धाम में लेकर गए, यदि हमारी इच्छा हो कि भगवान हमें भी रुक्मणी की तरह स्वीकार करे, तो रुक्मणी ने जो किया है वह हमें करना चाहिए। क्या किया था रुक्मणी ने? श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर शुणवतांते, भगवान की कथा को सुना था। मैंने इस बात पर यह कथा सुनाई, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, भगवान की कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता है, और जब कृष्ण में प्रेम हो जाता है तो कृष्ण हमें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार भगवान कपिल देव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। वैसे तो यह दीर्घ उपदेश है, समय के अभाव में मैं यहीं पर विराम करता हूं, और मैत्रेय मुनि अब मनु महाराज की कन्या देवहूति की कथा सुनाने के बाद अब आकुति के विषय में कहते हैं। जैसे मनु महाराज की तीन कन्या थी और दो पुत्र थे, दो पुत्र की कथा बाद में सुनाएंगे, सर्वप्रथम ये तीन कन्या के वंश परंपरा सुना रहे हैं। देवी देवहूति का विवाह मनु महाराज की तीन कन्या देवहूति आकुति और प्रसूति, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसे नौ कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरी कन्या थी आकुति, यह आकुति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति के साथ कराया, जिसे दो संतान हुई यज्ञ और दक्षिणा। ये दोनों ने विवाह किया जिसे 12 संतान की प्राप्ति हुई, तोष प्रतोष संतोष भद्र शांति कवि इद्म विभु
सुदेव रोचन इत्यादि। दो कन्याओं की परंपरा बताई, अब तीसरी कन्या की परंपरा बताते हैं। मनु महाराज की तीसरी कन्या जिसका नाम था प्रसूति, मनु महाराज ने यह अपनी प्रसूति नाम की कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ कराया और दक्ष प्रजापति से प्रसूति का विवाह हुआ, जिससे उनको 16 कन्या हुई। दक्ष प्रजापति और प्रसूति से 16 कन्या हुई। उन 16 कन्या में से 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया गया। कहते हैं श्रद्धा का विवाह धर्म के साथ हुआ, जिसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात, इन 13 कन्याओं को धर्म के द्वारा एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो धर्म के साथ विवाह करके श्रद्धा से शुभ की प्राप्ति हुई, मैत्री से प्रसाद की, दया से अभय की, शांति से सुख की, तुष्टि से मोद की, पुष्टि से सम्य की, क्रिया से योग, उन्नति से दर्प, वृद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से प्रशय। और मूर्ति नाम की जो 13वीं कन्या थी उसका विवाह धर्म से हुआ और इसे नर और नारायण की प्राप्ति हुई। जिस नर नारायण ने हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरांचल में ऋषि मुनियों को परेशान करने वाले सहस्त्र कवच असुर का वध किया था, सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किया था, शिवजी के वरदान से उस असुर को 1000 कवच की प्राप्ति हुई थी। और ऐसा वरदान था कि 1000 वर्ष तक कोई उनके साथ युद्ध करे, 1000 वर्ष तक तपस्या करे और फिर युद्ध करे और उनका एक कवच टूटे, और जब उनका एक कवच टूटेगा तो युद्ध करने वाला मूर्छित हो जाए। अतः भगवान नर नारायण ने सहस्त्र कवच असुर के साथ युद्ध किया और उनके 999 कवच तोड़ दिए। अब यह असुर समझ गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, तब सूर्य में जाकर विलीन हो गया। द्वापर युग में जब देवी कुंती ने सूर्य देवता का आवाहन किया, तब यह असुर उस सूर्य से कर्ण के रूप में प्रकट हुआ। और विवाह के पहले ही यह संतान की प्राप्ति हुई, इसलिए देवी कुंती ने इसे जल में छोड़ दिया। आगे चलकर अर्जुन के हाथों से, क्योंकि नारायणी भगवान कृष्ण हुए और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए, और अर्जुन ने अपने बाणों से उस कर्ण का वध किया। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ और उससे 16 कन्या हुई, इसमें 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ, उससे एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 14वीं कन्या का नाम था स्वाधा। स्वाधा का विवाह पितृगण के साथ कराया गया, जिससे 4 पुत्र और 2 कन्या की प्राप्ति हुई। प्रसूति की 15वीं कन्या थी स्वाधा, जिसका विवाह अग्नि के साथ कराया, जिससे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। दक्ष प्रजापति की सभी कन्या पुत्रवती थी। तो इस प्रकार 15 कन्या की चर्चा कर दी, और सबसे छोटी कन्या थी दक्ष और प्रसूति की, जिसका नाम था सती। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इन सती को कोई संतान नहीं हुई। सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ और सती के गर्भ से संतान हो उसके पहले तो सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए। विदुर जी ने कहा, ऐसा कैसे? सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने प्राण को त्याग दिया? बोले क्यों, शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ झगड़ा था, इसलिए अपने प्राण को त्याग दिया। जब इस प्रकार से विदुर जी ने सुना कि दक्ष प्रजापति और शिवजी के बीच में झगड़ा, तब तुरंत विदुर जी जिज्ञासा करते हैं, भवे
शीलवताम श्रेष्ठो दक्षो दुही त्रुवत्सला विद्वेषम करोत् कस्मा नाद्यतात्मजाम सतिम। हे मैत्री मुनि, आपने कहा कि शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में कुछ झगड़ा था, ये कैसे संभव हो सकता है? भवेश शिलवताम श्रेष्ठ, शिवजी तो शिलवान में सबसे श्रेष्ठ है, गुणवान है, सुशील है, वो तो शांत विग्रह है। शिवजी तो बड़े शांत रहते हैं। कर्पूर गौरम, आज शिवरात्रि है, शिवजी को प्रणाम करे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदया रविन्दे भवम भवानी सहितम नमा। भवेश शिलवताम श्रेष्ठ, शिवजी तो बड़े शांत विग्रह हैं। और भक्तों, भागवत में शिवजी का परिचय दिया गया, शिवजी कौन है? तो भागवत में कहा गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। जैसे ही संसार में अनेकों नदियां बहती हैं, यमुना सरस्वती कावेरी गोदावरी अलकनंदा नर्मदा, लेकिन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। संसार में अनेक देवता है, 33 करोड़ देवताओं की संख्या है, लेकिन सभी देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु। और अनेकों पुराण है, लेकिन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। जैसे इस दुनिया में अनेकों नदियां हैं, उन सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा है। अनेकों देवता हैं, उन सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है। अनेकों पुराण हैं, उन सभी पुराणों में श्रेष्ठ भागवत है। वैसे ही संसार में अनेकों वैष्णव हैं, परंतु सभी वैष्णव के शिरमोर मुकुटमणि यदि कोई है तो वह वैष्णवा नाम यथा शंभु शिव जी, जो सभी वैष्णव के मुकुटमणि है, जो सभी वैष्णव के शिरमोर है, भगवान श्री विष्णु के कृष्ण के परम भक्त है। ये शिव जी का परिचय, परम वैष्णव है, बड़े वैरागी है, शिव जी का आदर्श गृहस्थ, शिव जी से बहुत कुछ सीखना है। शिव जी इतने विरक्त है कि एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। और भक्तों, ऐसा नहीं कि शिव जी के पास धन नहीं है और वहां कैलाश लोक में मंदी चल रही है, काम धंधा ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। रावण ने जब शिव जी से मांगा तो शिव जी ने रावण को सोने की लंका दे दी। इतनी बड़ी नगरी जो सोने की बनी हुई थी, आप विचार कीजिए, जो व्यक्ति दूसरों को दान में सोने की लंका दे सकता है, वो अपने लिए क्या नहीं कर सकता है? परंतु शिव जी ये सिखाते हैं, जब दूसरों को देना हो तो दिल खोल कर देते हैं, अपना सब कुछ लुटा देते हैं, परंतु जीवन में भोग नहीं भोगते, अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। ये सारी बातें आगे आएगी, मैं विस्तार से बताऊंगा। तो ऐसे शिव जी जो है शांत विग्रह हैं। विदुर जी पूछ रहे हैं कि शिवजी तो शांत है और दक्ष तो हित्रुवत्सल, और दक्ष अपनी बेटी से प्रेम करने वाले, और महाराज इस संसार में भाई भाई में झगड़ा में समझ सकता हूं, भाई भाई में झगड़ा होता है, बाप बेटे में झगड़ा होता है, चाचा भतीजे में झगड़ा होता है, लेकिन ससुर और दामाद में झगड़ा, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई दामाद अपने ससुर से झगड़ा करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में झगड़ा कैसे हुआ, बात क्या थी, विस्तार से बताइए। तब मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने दक्ष
के गुण को देखकर जब उन्हें समस्त प्रजापतियों का राजा बनाया, जब दक्ष प्रजापति बन गए, ब्रह्मा जी ने जब सबका राजा नियुक्त घोषित कर दिया, तभी संसार में ऐसा होता है, मनुष्य बहुत अच्छा है लेकिन जब उसे धन और पद का अभिमान हो जाता है तब वो बिगड़ जाता है। दक्ष प्रजापति को ऐसा ही हुआ, पद का अभिमान हो गया। कैसे? एक दिन की बात, दक्ष प्रजापति की सभा में समस्त देवता, ब्रह्मा इत्यादि सब लोग उपस्थित हुए थे। भगवान विष्णु को छोड़कर इस सृष्टि के सभी लोकपाल, देवता इत्यादि दक्ष प्रजापति की सभा में आए थे। शिव जी भी आए थे, ब्रह्मा भी आए थे, और उस सभा में सूर्य के समान प्रकाशमान दक्ष प्रजापति ने जब प्रवेश किया तो सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, परंतु शिव जी अपने स्थान पर नहीं खड़े हुए। गुरु महाराज कहते हैं कि लगता है मंगला आरती में गए होंगे, जबकि आ गई होगी, ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि वैष्णव तो है ही, क्या पता। ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, परंतु दक्ष प्रजापति ने देख लिया सब लोग खड़े हुए, शिव खड़ा नहीं हुआ, और इनके हृदय में अभिमान आ चुका था, सम्मान मान लेते 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 फिर मान लेने की आदत पड़ जाती है। दक्ष प्रजापति ने यह नहीं देखा कि हजारों लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी खड़ा नहीं हुआ, बस इसी के विषय में सोचने लगे, और तुरंत सभी सभासदों को संबोधित करते हुए, मानो वहां पर माइक पड़ा होगा तो हाथ में ले लिया, और मीटिंग का जो एजेंडा था वो सब बाजू में पड़ा रहा, दक्ष प्रजापति कुछ और ही बोलने लगे, कहने लगे कि ये मेरा दामाद है, इसे थोड़ा भी ज्ञान नहीं है कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए, इतने बड़े ससुर का दामाद होकर कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं है। शिव जी को कहने लगे, मृग चर्म लपेटता है, संसार के लोग अपने शरीर पर पाउडर लगाते हैं, ये शमशान की भस्म लगाता है। आज तक कभी सलून में गया? पूछो, आप सब लोग पूछो इनको, आज तक गया कभी सलून में? शिव जी बैठे थे और सबके बीच में दक्ष प्रजापति अपमान करने लगे। तब मानो किसी ने कहा कि यदि शिव जी में इतने ही दोष थे तो आपने अपनी बेटी का विवाह इससे क्यों किया? बोले, मैं तो करना ही नहीं चाहता था, ये मेरे पिताजी बैठे हैं, इन्होंने करवाया। ये कहने लगे कि बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन शादी के बाद और बिगड़ रहा है। मैं भी ऐसा सोचा था कि शादी के बाद थोड़ा जेन्युइन हो जाएगा, जेंटलमैन हो जाएगा, लेकिन ये और बिगड़ रहा है। मेरी बेटी के लिए आज तक घर नहीं बनाया, बताओ कितने बड़े घर में रहती थी और बेचारी वहां वृक्ष के नीचे कैसे रहती होगी, और किन लोगों के साथ उठता बैठता है। इसे ये भी ज्ञान नहीं है कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में जाकर बैठता है। बहुत बहुत दक्ष प्रजापति ने शिव जी को बुरे वचन कहे, यद्यपि सरस्वती देवी ने अर्थ बदल दिए, सारस्वत अर्थ कर दिया, लेकिन अनेकों श्लोकों में दक्ष प्रजापति ने उनके दोषों को गाया। परंतु भक्तों, सत्य बात तो यह है, शिव जी में कोई दोष नहीं है। तो इस प्रकार दक्ष प्रजापति जब शिव जी के दोष को कहने लगे, शिव जी तो शांत बैठे रहे, वो तो कुछ नहीं बोले, परंतु शिव जी के जो पार्षद थे नंदी, उनसे नहीं रहा गया। दक्ष प्रजापति क्रोध करके चले गए, तब नंदी से नहीं रहा गया, बोले, हमारे स्वामी को इस प्रकार से भरी सभा में बेइज्जत किया गया, जाओ हम श्राप देते हैं कि दक्ष प्रजापति के जितने भी अनुचर हैं वेद विहीन कर्म करने लगे। भृगु मुनि कहते हैं कि अपराध किया दक्ष ने और खामखा हम लोगों को श्राप दे रहा है,
यहां से भृगु मुनि ने श्राप दिया है शिव जी के सारे गण पाखंडी हो जाए। इस प्रकार दोनों आमने सामने श्रापा श्रापी करने लगे, श्राप से झगड़ा करने लगे। शिव जी ने सोचा कि यदि यहां बैठा रहूंगा तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी शांत होकर वहां से खड़े होकर नंदी को लेकर चले गए। शिव जी चले गए अपने कैलाश में और अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। क्या बताना, पत्नी को बताते तो खामखा रोती और चिंता करती। शिव जी हमारे तरह तो नहीं थे ना, सारी बात कुछ भी हो तो बता दो। शिव जी ने कहा कि बता दूंगा तो बेचारी दुखी होगी, नहीं बताया, भजन में लग गए। यहां पर शिव जी तो शांत हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दश प्रजापति का हृदय अभी भी जल रहा है कि मेरे आने पर खड़ा नहीं हुआ, अभी भी उनके हृदय में जलन थी। और शिव जी से बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने और एक यज्ञ किया, बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और इस संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया, निमंत्रित किया, सबके घर पर इन्विटेशन कार्ड भेजा। और उस इन्विटेशन कार्ड में नीचे बिल्कुल नोट करके लिखा होता सूचना, विशेष सूचना, बिल्कुल रेड अक्षर में बोल्ड करके लिखा हुआ था कि आप सब लोग सह परिवार विद फैमिली आइएगा हमारे यज्ञ में। और एक निवेदन है कि रास्ता दूर पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव जी के कैलाश से होकर आना, ताकि उनको पता चले सबको बुलाया है, उनको ही नहीं बुलाया है, वाया कैलाश होकर आना। सभी देवी देवता अपने अपने विमान को सजाकर खुद सज धज कर आकाश के मार्ग से विमान में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने लगे। सती ने उस दिन देखा कि आज इतने सारे विमान कहाँ जा रहे हैं।